बेशरम नेता लोग दलितों के यहाँ जो खाने आते हैं, क्यों आते हैं हमारे यहाँ? अगर SC ST OBC भी हिंदू है तो क्यों नहीं बना देते हो RSS का चीफ? मोदी जी कितने दलित हितैषी हैं यह देश ने देख लिया है। जाति इस देश में सबसे ऊपर है, जाति से बढ़कर सेना भी नहीं है, देश भी नहीं। अगर इस देश में SC ST OBC की आबादी 90% है तो 90% आरक्षण नहीं है। मुसलमानों ने हमारी हकमारी नहीं की है, सवर्णों ने हमारी हकमारी की है। मनुवाद का इस देश में एक ही इलाज है, अम्बेडकरवाद। क्योंकि आज इस देश में न प्रधानमंत्री मुसलमान है, न चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुसलमान है, न ED का चीफ मुसलमान है, न CID CBI का चीफ मुसलमान है, तो पता नहीं मुसलमानों को कहाँ आरक्षण मिला हुआ है। खैर, अब गृह मंत्री जी असंवैधानिक आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि जो EWS असंवैधानिक आरक्षण है उसको भी खत्म करेंगे। क्योंकि हमारा यह मानना है इस देश में जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, उसको उतना आरक्षण मिलना चाहिए। अगर इस देश में SC ST OBC की आबादी 90% है तो 90% आरक्षण नहीं है। यह जो आरक्षण की सीमा रखी गई है 50%, जिसको तोड़ दिया गया सवर्णों को आरक्षण देने के लिए, वह जो है परिवर्तित होके हाल में जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि जिसकी जितनी आबादी है भागीदारी मिले। हम लोग चाहते हैं कि तमाम राजनीतिक दल उसी एजेंडे पर आए और जिसकी जितनी आबादी है उसकी इतनी भागीदारी मिले। इस देश के SC ST OBC समाज किसी मुसलमान से परेशान नहीं है। यह जो अमित शाह जी भ्रमित करने का काम करते हैं इस देश के SC ST OBC समाज के लोगों को, इस देश का SC ST OBC समाज समझता है। उनकी हकमारी, उनके आरक्षण को ख़त्म करने का काम किसी मुसलमान ने नहीं किया है। आज तक SC ST OBC के आरक्षण के खिलाफ कोई मुसलमान नहीं बोला। आज तक SC ST OBC आरक्षण के खिलाफ कोई मुसलमान खड़ा नहीं हुआ। आज तक SC ST OBC समाज की हकमारी किसी मुसलमान ने नहीं की। आज तक किसी भी देश भर में पूरे दलितों के जो उत्पीड़न का मामला होता है, छुआछूत का मामला होता है, कोई मुसलमान छुआछूत नहीं करता है। मटका अगर कोई दलित बच्चा छू ले तो कोई मुसलमान उसकी पीट पीट कर हत्या नहीं करता है। अगर कोई दलित दूल्हा घोड़ी पर चढ़े तो कोई मुसलमान उसको नहीं मारता है। अगर कोई दलित मूछ रख ले तो किसी मुसलमान के पेट में दर्द नहीं होता है। बावजूद इसके मुसलमानों को इस देश के SC ST के खिलाफ दुश्मन बताए जाने की साजिश इस देश में SC ST OBC समाज के खिलाफ चल रही साजिश का हिस्सा है। हम पूरी तरह से डिनाय करते हैं, मुसलमानों ने हमारी हकमारी नहीं की है, सवर्णों ने हमारी हकमारी की है। सीधी सी बात है, इस देश में ब्राह्मणों की आबादी 2-3% है, वो 100% जज कैसे बन जा रहे हैं? सीधी सी बात है, SC ST OBC समाज की हकमारी सवर्ण समाज ने की है, ब्राह्मणों ने किया है, बनियों ने किया है, राजपूतों ने किया है। तो मुसलमान को नकली दुश्मन बनाया जा रहा है, क्योंकि इस सरकार को पता है, इस सरकार ने SC ST OBC समाज के खिलाफ ही काम किया, उनके पक्ष में कोई काम नहीं किया है। पूरे देश में आज SC ST OBC समाज इस सरकार के खिलाफ गोलबंद हो गया है। इसलिए यह सरकार चाहती है इसको हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर ले आया जाए, लेकिन अब यह समाज समझने लगा है कि SC ST OBC जो है हिंदू नहीं है। हम तो पूछते हैं, बार बार पूछते हैं मोहन भागवत से, अगर SC ST OBC भी हिंदू है तो क्यों नहीं बना देते हो RSS का चीफ? पूरा SC ST OBC जो है संघ के पीछे खड़ा हो जाएगा। क्यों नहीं ब्राह्मण और दलित की शादी कराते हो? क्यों नहीं राजपूत और यादवों की शादी कराते हो? कराने लगे RSS के लोग, हम समझ जाएंगे कि दलित भी हिंदू है, हम समझ जाएंगे कि OBC भी हिंदू हैं। जब मुसलमान से लड़ाना होता है, जब हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे वोट लेना होता है, तो दलितों को पिछड़ों को हिंदू बनाने लगते हैं।
और जब हम अपना हक अधिकार मांगते हैं, आरक्षण मांगते हैं, तो हमको कह देता है तुम यादव हो, तुम पासवान हो, तुम चमार हो, तुम खटीक हो, हमको छोटी जात का बताने लगते हैं। जब हम घोड़ी पे चढ़ते हैं तो इनको दिक्कत होता है, इसलिए हमको ये न वाइस चांसलर बनने देते हैं, न सेक्रेटरी बनने देते हैं, न देश चलाने में संसाधन में हमारी भागीदारी देते हैं। जिस दिन हमारी भागीदारी के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे, जिस दिन दलित उत्पीड़न के खिलाफ सवर्ण समाज खड़ा हो जाएगा, हम समझ जाएंगे कि इस देश का दलित भी हिंदू है। गृहमंत्री अमित शाह तो दलितों के भोजन करते हैं? नहीं, भोजन अपने यहाँ क्यों नहीं कराते हैं अमित शाह जी? अमित शाह जी तो देश के जो है गृह मंत्री हैं, खोल दें दरवाजा अपने यहाँ, जितने संघ भाजपा के नेता हैं अपने दरवाजा अपना खोल दें, हमारे यहाँ के खाओ। हमारे हम तो मुश्किल से खून पसीना बहा के दो रोटी हमारे लोग कमाते हैं और ये लोग खाने पहुँच जाता है, बेशरम नेता लोग दलितों के यहाँ जो खाने आते हैं, क्यों आते हैं हमारे यहाँ खाने? अपने यहाँ खाने बुलाओ, बुलाओ अपने यहाँ डाइनिंग टेबल पे साथ बैठ के हमको, साथ बिठा के हमको खाना खिलाओ। या जो हमारे यहाँ आके हमारा पेट मारता है ना, हमारा हक मारता है, हमारी रोटी खाता है, ये नौटंकी बंद करे। केजरीवाल जी लाए थे गुजरात से एक परिवार को अपने घर पे। देखिए ये सब नौटंकी है, केजरीवाल हो या अमित शाह हो, भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो, ये तमाम राजनीतिक दलों का यही एजेंडा है। इस तरह के दिखावे के आधार पर वो सोचते हैं SC ST OBC का वोट मिल जाएगा, जो फेक है। मोदी जी तो पैद हो रहे हैं, पैद होकर सम्मान कर रहे हैं, आप कह रहे खाना नहीं खिला रहे हैं। मोदी जी पैर ही धोएंगे? मोदी जी को शायद नहीं पता हो आंकड़ा। इस देश में आज भी अगर शिविर में सफाई के दौरान सबसे अधिक लोग मारे जाते हैं तो शायद गुजरात में, आज भी अगर माथे पर कोई दलित पैखाना उठाता है तो शायद गुजरात में, आज भी अगर हमारे किसी रोहित बेमुला की हत्या हुई है, आत्महत्या करनी पड़ी है, तो मोदी का जो है मंत्री ने उसको चिट्ठी लिखा है, आत्महत्या करवाया है। मोदी जी कितने दलित हितैषी हैं यह देश ने देख लिया है कि मोदी जी कितना दलितों के हितैषी हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में BSF के जवान अर्जुन मेघवाल की घुड़चढ़ी नहीं होने दी, कांटे बिछाए रास्ते में, पत्थर बरसा घुड़चढ़ी पर। पूरे देश में यही होता आया है, हम लोग तो बाबा साहब को मानने वाले लोग, सावित्रीबाई फूले को मानने वाले लोग, सावित्रीबाई फूले पर तो गोबर फेंक देते थे, हमारे रास्ते में गोबर ही बिछा रहे हैं, पत्थर ही बिछा रहे हैं, और इनसे उम्मीद भी क्या है? हम लोग संविधान पर यकीन रखने वाले लोग हैं, हम लोग संघर्ष के लोग हैं, हमने तो पानी पीने का हक भी लड़ाई करके बाबा साहब ने हमको दिलाया है, तो हमको सोफे पर बैठने का हक ऐसे हासिल नहीं होगा, लड़ना पड़ेगा और हम लोग लड़ रहे हैं। BSF के जवान है अर्जुन मेघवाल सर, और सीमा पर सुरक्षा करते हैं देश की, आप देख लीजिए ना, यही इनकी देशभक्ति है। जाति इस देश में सबसे ऊपर है, जाति से बढ़कर सेना भी नहीं है, देश भी नहीं इनके लिए, जाति सबसे ऊपर है उसके लिए, चाहे सेना को भी क्यों नहीं कुचलना पड़े, सेना के जवान की भी बेइज्जती क्यों नहीं करनी पड़े, जाति नहीं जानी चाहिए। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि यह जातिवादी रूप से यह समाज बीमार है, बहुत जातिवादी समाज है। 29 लोग गिरफ्तार किए गए थे जातिवादी गुंडे हैं, वो अपराधी हैं अलग बात है, लेकिन दिमाग में लोगों के जातिवाद भरा हुआ है, गिरफ्तारी से नहीं जाएगा मनुवाद। मनुवाद का इस देश में एक ही इलाज है, अंबेडकरवाद। जैसे जैसे अंबेडकर का विस्तार होगा, वैसे वैसे इस देश में ये जातिवादी आतंकवाद कम होगा। लेकिन मोहन भागवत कह रहे थे कि दलितों को मंदिर में जाने दें, तो घुड़चढ़ी होने थे, एक महीने पहले कहा था वो। देखिए मैं तो बार बार कहता हूँ ना, मोहन भागवत क्यों नहीं RSS का चीफ बना दे रहे, क्यों नहीं दलित और राजपूत ठाकुर की शादी कर, नहीं कराएंगे, जाहिर सी बात है, इनको जातिवाद बनाए रखना है, तभी तो इनकी जाति श्रेष्ठता का नौटंकी चलता रहेगा।